आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल गाड़ी है, लेकिन ये स्पेशल टर्बो ऑल व्हील ड्राइव ऑल्टो है। अगर इसकी इंजन की तरफ चलूँ ना, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, ओए होए होए होए, ये इसका एयर इनटेक, ये इसका टर्बो, ओए होए कमाल। मतलब ये देखिए, तकरीबन 110 हॉर्स पावर के आसपास ये प्रोड्यूस करती है। ये देखिए, ये यहाँ से हवा अंदर जाती है, ये टर्बो पे, और ये एयर इनटेक इसका। इसका इंटीरियर चेक करें आप ज़रा, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ओए होए कमाल, ये रिकारो की सीट्स है, ये जेन्युइन आती है, ये जापानीज वेरिएंट गाड़ी है, ये इसमें जेन्युइन आती है। शॉर्ट शिफ्टर, मतलब इसके जो गियर्स है, जो पहले ट्रैवल होता था वो अब इतना नहीं होता, शॉर्ट शिफ्टर्स है इसमें। साथ ही साथ आपको अगर मैं बैक साइड पे लेके आऊँ तो आपको लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल ऑल्टो या मॉडिफाइड, लेकिन नहीं भाई, मैं आपको जैसे बोला, ये स्पेशल ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है जापानीज। इसकी आपको एग्जॉस्ट साउंड अभी सुनाता हूँ मैं। कमाल आवाज़। साथ ही साथ अगर इसके रिम्स वगैरह की तरफ चलते तो ये TE37 भाई ने लगवाए हुए, साथ ही साथ इसकी ब्रेक्स भी भाई ने मॉडिफाई कराई हुई है, कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स है इसकी, मतलब कमाल। तो पार्क विलेज, आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी, और अगर आप ये ले गए।